कोरोना मामलों को देखते हुए अब सभी की उम्मीदें कोरोना वैक्सीन से बंधी हुई है। अमेरिका में आने वाले चुनाव की वजह से वहां की दवा कंपनियों पर इस वैक्सीन को जल्द से जल्द मार्केट में उतारने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन दवा कंपनियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें इस वैक्सीन की पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव होने की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वे इसे लॉन्च नहीं करेंगे। वहीं भारत में कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल सोमवार से शुरू हो रहे हैं। रूस के वैक्सीन के ट्रायल्स पर मेडिकल जर्नल लैंसेट ने मुहर लगा दी है, यानी रूस वैक्सीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अविश्वास का माहौल बना था वह कुछ हद तक कम हो गया। भारत बायोटेक के वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल्स 380 लोगों पर होंगे। उन्हें वैक्सीन लगाने के 4 दिन तक स्क्रीन किया जाएगा। फेज 2 ट्रायल्स शुरू होने के अनुरोध की पड़ताल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के विशेषज्ञों ने 3 सितंबर को वर्चुअल मीटिंग में की थी। इसके आधार पर ही मंजूरी दी गई है। कोवैक्सीन के फेज 1 ट्रायल्स 15 जुलाई को देश भर के 12 सेंटर्स पर शुरू हुए थे। स्वस्थ लोगों को 14 दिन के अंतर में वैक्सीन के 2 डोज दिए गए हैं। यह ट्रायल्स 350 लोगों पर किया गया। यह अब भी जारी है। फेज 1 ट्रायल्स में हर 2 दिन बाद वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की गई।